नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फुल्की, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से। हम इस वीडियो में आपको गोलगप्पे बनाने की ऐसी तीन सीक्रेट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपके सारे गोलगप्पे भूलेंगे और हमेशा क्रिस्पी बनेंगे। फुल्की बनाने के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है और एक कटोरी सूजी लिया है, दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से और इसमें एक कटोरी से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस आटे को सानेंगे। आटा हमें थोड़ा सा कड़ा सानना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको सानेंगे ताकि हमारा आटा गीला ना हो जाए। हमारा आटा सन गया है तो इसे हम लोग 10 मिनट के लिए माड़ेंगे। हमारी ट्रिक नंबर 1 है, आटे को 10 मिनट तक माड़ने से हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे सारे गोलगप्पे फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। अब हमारा फुल्की का आटा तैयार है और अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। हमने एक कटोरी पानी लिया था और देखिए कितना कम पानी यूज़ हुआ है इस आटे को सानने के लिए। अब 20 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने आटे को एक मिनट के लिए और माड़ेंगे ताकि हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयां तोड़ के बना लेंगे और इसके गोले बनाकर प्रेस कर लेंगे। तैयार हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून घी का। घी या तेल डालने से हमारे गोले एक आपस में चिपकेंगे नहीं और आपको इसमें अलग से आटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब हम लोग इसको बेलेंगे। हमें अपनी फुल्की पतली बेलनी है और चारों ओर से बराबर बेलनी है। अगर कहीं से मोटी पतली हुई तो हमारी फुल्कियाँ फूलेंगी नहीं अच्छे से। अगर हमने अपनी फुल्की का आटा मोटा बेला तो हमारी पूरी फूल तो जाएगी पर ठंडी होने पे वो सब पिचक जाएंगी। हम अपनी सारी फुल्कियों को बेल करके फैला करके रखते जाएंगे। इतने आटे में हमारी करीब करीब 40 फुल्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। इन पूड़ियों को बेलते बेलते हमें करीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इन फुल्कियों को हम लोग तल लेंगे। हमने पहले ही रिफाइंड ऑयल गरम करके रखा हुआ है। सबसे पहले वो फुल्की तलेंगे जिसे हमने सबसे पहले बेल के रखा था। अब हमारी ट्रिक नंबर 2, जो फुल्की का हिस्सा ऊपर साइड है ये ड्राई है, हम ड्राई वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे और सॉफ्ट वाला हिस्सा नीचे रखेंगे। इसका मतलब कि जब हमने फुल्की को बेल के रखा था तो ऊपर की परत जो फुल्की की थी वो थोड़ी ड्राई हो गई थी। हम लोग ड्राई वाले हिस्से को ऊपर ही रखेंगे और नीचे की परत जो सॉफ्ट थी उसको तेल के अंदर डालेंगे। इससे हमारी फुल्की सारी फूलेंगी अच्छे से और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। अब ट्रिक नंबर 3, जब हम लोग फुल्की डालेंगे तो हमारी गैस की फ्लेम हाई पे रहेगी। अगर आपकी फुल्की जलने लगे तो आप मीडियम या लो फ्लेम भी कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि आप जब भी फुल्की को डालें तो आपकी फ्लेम हाई पे ही रहनी चाहिए। जो फुल्की वाले होते हैं वो ढेर सारी फुल्की एक साथ बनाते हैं, इसलिए वो हमेशा हाई फ्लेम पे अपनी फुल्कियाँ तलते हैं और उनका तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पर जब हम घर पे बनाते हैं तो हम कम फुल्कियाँ बनाते हैं, जिस वजह से हमारा तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हमारी फुल्की जलने लग जाती है। इसलिए हम अपने फ्लेम को मीडियम या लो कर सकते हैं, पर फुल्की को हमेशा हाई फ्लेम पे ही डाला जाता है। आप देख सकते हैं हमने जितनी भी फुल्कियाँ डाली हैं सब फूली फूली निकल रही हैं और सब क्रिस्पी हैं। जो फुल्की आपने पहले बेल के रखी है उसे पहले तलिएगा और जिन्हें बाद में बेला है उनको बाद में तलिएगा। हमारी फुल्की तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी फुल्कियाँ कितनी क्रिस्पी बनी हैं।